गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सभी के लिए एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। तो मेरे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, चार कार्ड हैं, कार्ड नंबर ए, कार्ड नंबर बी, कार्ड नंबर सी एंड कार्ड नंबर डी। तो आपको करना क्या होगा, आपको जो भी मैसेज पूछना है यूनिवर्स से, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है यूनिवर्स से, अगर आपको उसका आंसर येस और नो में चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखकर कोई भी एक कार्ड जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका आंसर क्या है। तो जल्दी से आप कोई भी कार्ड अपने मन में चूज़ कर लीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कौन सा कार्ड नंबर चूज़ किया था। तो ये है कार्ड नंबर वन। अगर आपने कार्ड नंबर वन चूज़ किया है तो यूनिवर्स की तरफ से अभी आपके लिए नो है, आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए। अभी आपकी एनर्जीज़ उतनी अच्छी नहीं है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट हो जाइए और थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। नंबर टू, अगर आपने कार्ड बी चूज़ किया था तो आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आप थोड़ा सा वेट करिए, फिर उसके बाद उस काम को या उस चीज़ को वापस से शुरुआत करिएगा, अच्छा समय आपका आने वाला है। अगर आपने कार्ड सी चूज़ किया है तो अभी आप जिस भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोई अपना बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं और आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो अभी ये सही समय नहीं है। या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं और आपने पूछा है कि क्या मुझे प्रपोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अभी आपको नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, तब आप उनको प्रपोज़ करिएगा। फाइनली यस यस यस, अगर आपने कार्ड डी चूज़ किया था तो आपके लिए एक बहुत बड़ा यस है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आप जिस भी काम को, जो भी क्वेश्चन आपके मन में था, जिस भी चीज़ को लेकर आपने सोचा था, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और यस, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप उसके लिए पूछे थे, तो एकदम यस है, आप एकदम जाइए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था। थैंक यू, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक कीप लविंग एंड सपोर्टिंग।